तो हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम इरफान खान की पूरी शेडिंग करेंगे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मेरा पार्ट वन देख लेना, पार्ट वन के अंदर मैंने आउटलाइंस बनानी बताई थी, आउटलाइन कैसे बनाएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम बताऊंगा कैसे शेडिंग करनी है और कौन सी पेंसिलों का यूज़ करना है। तो मैं पेंसिल दिखा देता हूँ पहले आपको। ये फाइबर की पेंसिल है, आपको मार्केट के अंदर आराम से मिल जाएगी, 50 रुपीज़ प्राइस है इसका। तो इसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 8 पेंसिल है इसके अंदर, और इसमें 2B, 3B और 4, 6, 6 पेंसिल है इसके अंदर, 8B भी है। काफ़ी अच्छी पेंसिल है, पर ठीक ठाक है। बालों के अंदर देख सकते हैं आप, बिल्कुल डार्कनेस बालों के अंदर है, तो 8B यूज़ करेंगे हम। और बिल्कुल हल्के हाथों से आप देख सकते हो गाइस, ये हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। और हमने थोड़ा इसको डार्क करने के लिए, थोड़ा इस पर डार्क करने के लिए मैं 6B का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा। और बिल्कुल आराम से चलाएंगे आपको। जो डार्क पोर्शन है उसको एकदम डार्क और जहाँ पे होता है वहाँ पे लाइट करने के लिए।
हम फेस पे यूज करने के लिए हम एक ब्रश का एक ब्रश चाहिए होगी हमें, और हम इस पर हल्की हल्की साइड साइड से शेडिंग चालू करेंगे। ये टू बी पेंसिल है, इसके अंदर हल्का हल्का एकदम बिल्कुल लाइटली करना है, बिल्कुल ही बिल्कुल लाइटली एकदम हल्का हल्के हाथों से।